कोरोना से संबंधित आप अपना कोई उपाय या सुझाव हमारे चैनल हापुड़ हलचल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो अपना वीडियो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें 9045203788791679847। नमस्कार दोस्तों, सुशील शर्मा के साथ आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल, जिस पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस प्रशासन बहुत ही तारीफ के काबिल सराहनीय काम कर रहा है। मेरठ के एडीजी ने झुग्गी झोपड़ी के गरीब लोगों को भोजन वितरण किया। 21 दिन का भारत बंद जिस तरीके से जारी है, भारत बंद के दौरान सभी व्यापार बंद है। जिनका रोज का कमाना खाना होता है वो लोग भारत बंद के दौरान भूखे प्यासे ना रहे, इसलिए मेरठ एडीजी, जिला अधिकारी, एसएसपी और एसपी सिटी गरीब लोगों को आज भोजन वितरण कराया। भूखे लोग भोजन को देखकर खुश हो गए और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद भी दिया। वहीं जिला अधिकारी अनिल ढींगरा ने गरीबों से भारत बंद के दौरान रोजाना खाना पहुँचाने की बात की गयी। वो खाना उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आम जनता है जो खरीदना चाहती है उनके लिए कितने बजे तक बाजार उपलब्ध होंगे? देखिए आता है, ये हमने जो है पहले भी तभी आपके माध्यम से भी प्रचार प्रसार कराया कि अगर कोई भी जमाखोरी करेगा, हमारे मैजिस्ट्रेट वगैरह छापा भी मार रहे हैं, अगर कहीं कोई पाया जाएगा तो तत्काल इसमें 3/7 का आवश्यक वस्तु अधिनियम का मुकदमा लिखाया जाएगा और तक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं लॉकडाउन के दौरान पे जिनका बिल्कुल खाने के लिए नहीं है, उसके लिए आप जान रहे हैं कि हमारे यहाँ पे लगभग 27,000 लोगों को हम लोगों ने 1,000 रुपये ट्रांसफ़र भी कर दिया है। और इसके अलावा जो हमारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं या जो डेली कमाते थे खाते थे, उनके लिए लगभग हमारे यहाँ सभी जगह व्यवस्था कर ली गई है। जिनके पास गैस चूल्हा है उनको हम लोगों ने जो है आटा, चावल, साबुन और तेल कल बंटवाया है और लगातार इसका निरंतर हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखा है। और इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जिनके पास ना बनाने के लिए भी है, उनको हम फूड भी दे रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है और उसमें जो पीसीएस अधिकारी हैं श्रद्धा, उसको मॉडल बनाया है। कोई भी उनको फ़ोन करेगा तो वो खाना पूरे जनपद में, चाहे मवाना हो चाहे सरदना हो, कहीं भी होगा, वो उनको उपलब्ध कराएंगे। देखिए इसमें आज हम लोगों ने आज मीटिंग भी किया है संबंध में और सबको बता दिया है कि यही निर्धारित रेट है, ये होलसेल का है, ये रिटेल का है, और अगर इससे ज़्यादा अगर कोई करता है और अगर उसका कोई जस्टिफाइबल नहीं है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और कुछ एक दो ऐसे दुकानदारों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन भी मिली है जो जमाखोरी कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने अपना जो है मैजिस्ट्रेट के माध्यम से जाँच भी करा रहे हैं, अगर पाया जाएगा तो हम जेल भी देंगे। सर, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं और मजदूर हैं, उन पर भी निगरानी रखी जा रही है, उनकी जाँच भी की जा रही है? देखिए, हमारे यहाँ लगभग ऐसे 528 लोग थे जो या तो विदेश घूम के आए थे या जो बेसिकली आते थे, जो यहाँ से कहीं अन्य राज्यों से या अन्य डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, तो उन पे तब पे हेल्थ विभाग के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। और अभी 33 लोग हमारे यहाँ एडमिट हुए थे, सभी की रिपोर्ट जो है नेगेटिव है। और इसके अलावा हम लोगों ने जो है लगभग 500 बेड के अपने यहाँ कोविड हॉस्पिटल भी बना लिए हैं। 200 हमारे मेडिकल कॉलेज में है, 200 हमारा सुभारती में है, 100 हमारा KMC में है, और इसके अलावा एक हमारा जो है मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज है, उसमें 140 बेड का है। तो लगभग 540 की कैपेसिटी का जो है हमारा जो है कोविड हॉस्पिटल भी तैयार है अलग अलग जगहों पर। इसके अलावा क्वारंटाइन भी हमारे यहाँ पे फैसिलिटी में शोभित यूनिवर्सिटी में है और हमारे CHC में है और हमारा एक विकलांग कल्याण का हॉस्टल है उसमें भी है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग निगरानी रखे हुए हैं और अभी तक कोई भी जो है वो पॉजिटिव नहीं है। तो दोस्तों, अभी मुझे दीजिए इजाजत, आगे खबरों के लिए बन रही है हापुड़ हलचल के साथ।